Another special and brilliant performance is coming from class Metric. It's a skit on doctor and patient. I hope you will enjoy this, so please welcome them and appreciate them. Assalamualaikum, Doctor Sahab. कहिए कैसे मिजाज हैं जनाब? क्या बताऊं, तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। जिस्म के हर हिस्से में दर्द महसूस होता है और कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ रही है। अच्छा, आपका इसमें शरीक क्या है? जनाब हमें इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान कहते हैं। ओह, तो आप हैं पाकिस्तान। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 58 बरस हो चुकी है जनाब। जनाब मैंने आपके बारे में तो खूब सुना है कि आपके यहाँ नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। नहीं जनाब नहीं, ये हम पर सरासर इल्ज़ाम है। भला आप खुद बताएं, हमारी तो अपनी हालत इतनी ख़राब है, हम किसी को क्या दहशतगर्दी की तरबियत देंगे। हाँ वाकई कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन क्या करें, बड़ी क़ुव्वतों का तो यही कहना है। बहरहाल आप आराम से तशरीफ रखिए, मैं आपका तफसीली मुआयना करके बताता हूँ कि आपको क्या बीमारी है। सांस लीजिएगा और ज़ोर से। अब दिखाइए। अरे ये तो बहुत आहिस्ता चल रही है, आपको तो सांस लेने में भी दुश्वारी होती होगी। जी हाँ डॉक्टर साहब, कभी कभी तो सांस उखड़ती हुई महसूस होती है और दिल भी डूबने लगता है। सही है, मैंने आपके अमराज की अच्छी तरह तशरीह कर ली है। आपके अमराज लाइलाज तो नहीं, मगर इनका मुसलसल और मुकम्मल इलाज करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आखिर मुझे बीमारी क्या है? जनाब आपको एक नहीं कई बीमारियां हैं। एक तो आपके खून में करप्शन के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं। कत्लो गारत गरी के बायस आपकी क़ुव्वत मुदाफियत बहुत कम हो गई है। धोखा चालबाजी और फरेब का तनासुब आपके खून में बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा स्मगलिंग और जालसाजी ने आपकी हड्डियों को भी खोखला करना शुरू कर दिया है। ओह मेरे खुदा, डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? जिस्म और इतनी सारी बीमारियाँ, डॉक्टर साहब क्या इसका कोई इलाज मुमकिन है? क्यों नहीं आप घबराइए नहीं, इसका इलाज भी है और दवा भी। मैं आपको चंद दवाएं लिखकर दे रहा हूँ, जिनमें ईमानदारी की टैबलेट सुबह दोपहर शाम, नेक नियति का कैप्सूल रात को सोते वक़्त और सच्चाई का सीरप दिन में एक मरतबा। डॉक्टर साहब क्या मुझे कुछ परहेज़ भी करना होगी? जी परहेज़ करना तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, खुसूसन दूसरों से कर्ज़ और इमदाद लेने से मुकम्मल परहेज़ करें और कोशिश ये करें कि अपनी क़ुव्वत बाज़ू से सारे काम अंजाम दें, इंशाअल्लाह जल्दी अफाका होगा। डॉक्टर साहब आपकी ये दवाएँ खासी महंगी मालूम होती हैं, आखिर ये मैं हासिल कहाँ से करूँगा? भाई ये सारी दवाएं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप नौजवान मेडिकल स्टोर से ही हासिल कर सकते हैं। नौजवान मेडिकल स्टोर क्या मतलब? जनाब मेरा मतलब कुछ यूँ है कि अगर आपके नौजवान बच्चे आपके लिए अपनी खिदमात वक्फ कर दें, आपको छोड़कर ना जाएं और जो दवाएं मैंने आपको दी हैं और जिन पर आपकी ज़िंदगी का इन्हिसार है इसे वक्तन फवक्तन आपको फराहम करते रहें, तो इंशाअल्लाह आप जल्द ही अपनी तबीयत में तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे नौजवान बेटे मुझे ये दवा देंगे, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि ना सिर्फ मैं ज़िंदा रहूं बल्कि सेहत व इस्तेहकाम हासिल कर लूं। अच्छा डॉक्टर साहब इजाज़त दीजिएगा, अब मैं चलता हूं। आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ।